जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई पाती राम जिंदाबाद, भाई पाती राम जिंदाबाद, लक्ष्मी नारायण चौधरी जिंदाबाद, लक्ष्मी नारायण चौधरी जिंदाबाद, पाती राम पाती राम पाती राम पाती राम पाती राम। जनपद मथुरा के वार्ड नंबर 16 से भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित प्रत्याशी श्रीमती भगवती देवी का चुनाव प्रचार अभियान बड़े ही जोर और शोर के साथ उनके समर्थक कर रहे हैं। चुनाव प्रचार की कमान संभाल रहे श्रीमती भगवती देवी के पति ठाकुर पातीराम सिंह चौमुहा ब्लॉक प्रमुख ने बताया कि वार्ड नंबर 16 के ग्रामीण काफी समय से विकास की बाट जो रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक प्रमुखी के कार्यकाल में कराए गए कार्यों से क्षेत्र के लोगों में काफी संतुष्टि है, आगे भी वो इसी तरह से विकास कराते रहेंगे। आज ग्रामीण क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या खारे पानी की बनी हुई है, सबसे पहले प्राथमिकता के साथ वे इसी समस्या को दूर करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कराने का लोगों से वायदा किया। इसके साथ ही इस चुनाव प्रचार अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे चौधरी राजवीर सिंह ने लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि भाजपा शासन और प्रदेश के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में वार्ड नंबर 16 का चहुमुखी विकास होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वार्ड नंबर 16 की सरदारी का प्यार और आशीर्वाद पाती राम सिंह को मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि श्रीमती भगवती देवी निश्चित रूप से इस बार भारी मतों से विजयी होंगी। मंडल अध्यक्ष डॉक्टर राजवीर सिंह ने कहा कि जिस तरह से भाई पाती राम को चुनाव प्रचार के दौरान युवाओं का प्यार और बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसे देखकर लगता है कि श्रीमती भगवती देवी की टक्कर में दूर दूर तक कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई पाती राम ने प्रमुख रहते हुए ऐसा कोई गांव अछूता नहीं छोड़ा जिसमें उनके द्वारा कराए गए विकास कार्य का कोई एक पत्थर ना लगा हो। जिस तरह से बिजली के तार में बिना किसी कट के निर्बाध बिजली आपूर्ति होती है, उसी तरह से पाती राम दोबारा से बिना किसी रुकावट के पंचायत चुनाव जीतकर रुके हुए विकास कार्यों को और तेज गति के साथ करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान ब्लॉक प्रमुख ठाकुर पाती राम सिंह ने गांव सिहाना, कोंकेरा, बिड़ावली, बरौली, सैमरी आदि गांव में अपने समर्थकों के साथ दौरा किया, जहां जगह जगह फूल माला और पगड़ी पहनाकर उनका जोशीला स्वागत किया गया। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों भाजपा के कार्यकर्ता और उनके समर्थक मौजूद रहे। जी प्रमुख जी, आप जो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, किस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? जन समर्थन के मामले में तो इतना समर्थन, अपार समर्थन जन भावना के साथ मेरे साथ, और जो जितने विकास कराए हैं उसका परिणाम भी सामने है। तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के विकास में का विश्वास रखती है, विकास ही हमने कराया, विकास का ही हमको लाभ और जन समर्थन मिल रहा है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, क्या आप बता रहे हैं कि हम अगली जो अगर हम जीतते हैं तो इस पंचवर्षीय में हम ये काम कराएंगे, क्या? हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, पानी की कोशिश करेंगे, पानी की व्यवस्था कराएं, उसको धूप समस्या को दूर कराएं, इंटरलॉकिंग है वो भी, जहाँ पर जितनी भी समस्या है पानी है बिजली है, इसके लिए अपनी व्यवस्था करेंगे, जो विकास के लिए धन मिलेगा उसको। आज आप भाजपा प्रत्याशी का तो चुनाव प्रचार के मैदान में हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप यहाँ चुनाव प्रचार में आपको समर्थन जन समर्थन देखने को मिल रहा है, क्या? आज वार्ड नंबर 16 में हमारे बीजेपी के उम्मीदवार, हमारे साथ चल रहे वार्ड के सभी गांवों के लोग, माननीय लक्ष्मी नारायण चौधरी मंत्री जी की तरफ से बड़े भाई पाती राम जी को आशीर्वाद मिला है बीजेपी का, जो भी विकास कार्य माननीय मंत्री जी ने, जो भी मेरे बड़े भाई पाती राम जी ने अब तक कराएं, और जो भी कोई कार्य अधूरो बस्ती में या पूरे क्षेत्र में कोई रह गो है वह आगे पूरे कराने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। आप गांव-गांव घूम रहे हैं इनके साथ, आपको क्या माहौल लग रहा है, क्या स्थिति इस वक्त है बीजेपी उम्मीदवार की आपके की? क्या माहौल जी,
ये तो आप देख रहे हो भैया, सब रहते ही जागाम में जाए वाजगाम में अच्छा अपार जनसमूह भाई के साथ है, बीजेपी के साथ है, माननीय मंत्री जी के साथ है, मेरे अध्यक्ष जी बैठे हैं, मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह जी, मतलब जनसमूह की बात कर रहे हो, दो तिहाई तो बीजेपी के उम्मीदवार की जीत आपकी वार्ड नंबर 16 में होगी और जो प्रत्याशी वह आपके सामने जो भी हैं, जो मतलब विकास कार्य जो मंत्री जी ने और भैया ने कराए हैं वो जनता के सामने है, या में कोई छुपी बात तो कहीं है ना, वो सब जनता उनको जवाब देगी। जनता भाई पातीराम को पूर्ण रूपेण दो तिहाई बहुमत से विजयी बना के, इस बार से विजयी बना के।